हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतनाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए देसी काचरी की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम काचरी की सब्ज़ी बनाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ। काचरी को हमें यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेना है और ये गाँव में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो मार्केट में भी मिल ही जाएगी, और अगर मिल जाए ना तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाना सब्ज़ी को। बहुत टेस्टी बनती है, राजस्थान की सबसे फेमस रेसिपी है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है सबको, और एक बार अगर खा लोगे ना तो इसके दीवाने हो जाओगे। इतनी टेस्टी हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये काचरी ली है, बिल्कुल देसी काचरी है जो गाँव में खेतों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है, ये कुछ मसाले लिए हैं, मैं आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं काचरी को अच्छे से तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, अगर आप चाहो तो छिलका भी उतार के बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स छिलके के साथ अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है हमारी छिलके के साथ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। और इसके जो बीज है ना, वो आपको टेस्ट, आपको अगर लग रहा है बीज कड़वे हैं तो आप टेस्ट कर लेना बीज को। हर काचरी का बीज आपको टेस्ट करना है, अगर एक कड़वी काचरी आ जाएगी ना तो सब्ज़ी का मतलब टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो इधर हमने यहाँ पे काचरी को कट करके कढ़ाई के अंदर डाल दिया है ऑयल, तो ऑयल डाल देंगे। और लगभग मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, 5 छोटी वाली जो चम्मच आती है ना वो ऑयल डाल दिया है। और ये हमने यहाँ पे ऑयल जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं। तो लहसुन का पेस्ट था, उसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, और आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और नमक भी डाल देंगे इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सभी मसालों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, गाँव में ऐसे ही बनाते हैं और वास्तव में उस सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको ज़रूर पता भी होगा, और प्लीज़ हाँ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसी लगी, या फिर आप भी ऐसे ही बनाते हो। हमारे यहाँ पर राजस्थान में इसको काचरी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, ऑयल में डाल दिया हमने जीरा आधी छोटी चम्मच के करीब, और जीरे का कलर थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देते हैं, बाद में डाल देंगे इसके अंदर हमने जो मसाला तैयार करके रखा है, लहसुन का और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, सभी चीज़ों का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है, और पकने देते हैं इसको। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीका, इसमें हमें प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान से तरीके से बन भी जाती है, और फ्रेंड्स खाने में बहुत टेस्टी होती है। एक बार आप खा लेना ज़रूर कहीं से भी काचरी का जुगाड़ करके, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और अगर गाँव से हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिल जाएगी आराम से। तो बस हमारा मसाला पकने के बाद में हम इसके अंदर काचरी डाल देंगे जो हमने कट करके रखी थी, और जो काचरी के बीज हैं वो हमने नहीं निकाले हैं, बस हमने इसको वॉश किया है कट करने के बाद में। तो जब हम काचरी को वॉश करते हैं ना तो ये कुछ बीज अपने आप ही निकल जाते हैं, तो उनको तो निकलने दीजिए, लेकिन हमें खुद को नहीं निकालने हैं, क्योंकि बीज अगर सब्ज़ी के अंदर ऐड होते हैं ना कुछ बीज, तो फ्रेंड्स टेस्ट बहुत अच्छा आता है उन बीजों का। तो बस हमारी सब्ज़ी है उसको पकने देते हैं, और आप चाहो तो आप खुले में पका सकते हो, या फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और पका लीजिए। और ये देखिए सब्ज़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और वैसे दिखने में ही अच्छी लग रही है सब्ज़ी। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो काचरी है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आधा गिलास पानी डालने के बाद में इसको पकने दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत जल्दी पक भी जाती है ये काचरी की सब्ज़ी। अगर आप कुकर के अंदर बनाते हो तो आपको पानी डालने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बिना पानी के भी ये पक जाती है, क्योंकि काचरी में भी बहुत सारा पानी होता है। तो बस सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और चटपटी और बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बनके तैयार हुई है, हमने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।